हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम SBI GD की ही एक और वीडियो के बारे में बात करेंगे। 5 से 6 पार्ट्स में ये वीडियो बना रखी है, तो आप सारे पार्ट्स देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने ग्रुप से बेटर कैसे परफॉर्म करना है। देखिए, ग्रुप जो है 7 8 10 जितने भी लोगों का SBI ग्रुप बनाएगा, आपके हाथ में ये सब लोग नहीं है कि ये जो बाकी लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे ये ग्रुप डिस्कशन को चलने देंगे, बट आप अपने आप को कैसे आइसोलेट करोगे, कैसे अपने आप को बेहतर टीम प्लेयर टीम लीडर साबित करोगे, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। क्योंकि कई लोगों का कंसर्न है कि सर, GD में मान लो कोई एक दो लोग एलिमेंट ऐसे आ गए जो बोलने नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आउट ऑफ रेलेवेंस बोल रहे हैं, बट आपको तो अपना सिलेक्शन मैटर करता है ना यार। ग्रुप का सिलेक्शन होना हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको जो आपको हेल्प करेंगे इस तरह की सिचुएशन में। उससे पहले दोस्तों, ये छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन है, जिसको देखना हो देख लेना। चलिए अपन मेन पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मेक श्योर एवरीवन हैज अ चांस टू स्पीक इन द ग्रुप। देखिए, ग्रुप में हर कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत एक्सट्रोवर्ट नेचर का है, बहुत इम्प्रोवाइजेशन नेचर वाला है। कई लोग थोड़े से कम बोलने वाले लोग हैं, तो आपको उनको चांस देना है। ये आपकी एक क्वालिटी वहां पे रिफ्लेक्ट होगी। आपको लग रहा है कि ये क्वालिटी आपकी नहीं दिखेगी, बट दिखेगी। ये कैसे दिखेगी? कोई दो लोग ऐसे हैं जो दूसरे के बोलने नहीं दे रहे हैं, बट आप बोलने दे रहे हो, तो आपका पॉजिटिव होगा, उनका नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से आपको चांस देना है, ठीक है? उनको चांस दो कि वो अपने थॉट्स को और अपने ओपिनियन को शेयर कर सके। उनको रोकना नहीं है, ठीक है? डोमिनेट करने की कोशिश मत करो, नेगेटिव इमेज बनती है दोस्त। मैंने कई डेमो इंटरव्यूज में भी देख लिया है, लोग इसको डिबेट की तरह ले लेते हैं। डिबेट और डिस्कशन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। डिबेट में आपको इसको जीतना होता है, डिस्कशन में आपको डिस्कस करना होता है। थोड़ा सा क्लियर रखोगे तो आसान होगा आपके लिए समझ पाना और स्कोर कर पाना आसान होगा। एनकरेज पीपल टू आस्क क्वेश्चन, पहला पॉइंट ये था कि उनको बोलने दो, बट दूसरा ये है कि आप कोशिश करो कि वो बोले। मान लो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। उनको एनकरेज करो पॉइंट बोलने के लिए। कैसे एनकरेज करोगे? मान लो उन्होंने कोई छोटा सा भी पॉइंट बोला है, उसमें इंटरेस्ट दिखाओ कि हाँ भाई, वो और ज्यादा बोले उसके बाद। और इससे होगा क्या? देखिए, डिस्कशन जितना मूव होता रहेगा ना, मान लो डिस्कशन एक ही पॉइंट पे रह गया। मान लो कि कोई मान लो RRB का कोई टॉपिक था कि इफेक्टिव है कि नहीं। मान लो आप किसी एक एस्पेक्ट पे लगे हुए हो पिछले 5 मिनट से बात करने पे, बट कोई नया बंदा हो सकता है कोई नई एस्पेक्ट लेके आ जाए, तो एनकरेज करो। वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। वो नया पॉइंट लेके आएगा, आपने नया पर्सपेक्टिव दे दिया, आपके भी स्कोर ऐड हो गया, उसका भी स्कोर ऐड हो गया। तो नए थॉट और ओपिनियन जो है जब तक आते रहेंगे, ग्रुप डिस्कशन और बेहतर होता रहेगा। दूसरा, कीप एन ओपन माइंड। जरूरी नहीं है बॉस कि हर कोई आपकी पॉइंट के साथ एग्री होता रहेगा, जरूरी नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव है, उसका पर्सपेक्टिव है। आप कैसे कह सकते हो कि यही पर्सपेक्टिव है सही? मतलब आप दूसरे की पर्सपेक्टिव को अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो आपकी नेगेटिव इमेज जाएगी। दूसरा, आपके साथ कोई एग्री नहीं होता है, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में कुछ नेगेटिव पॉइंट बोल रहे हो, वो गलत है। तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि सारे आपकी बात से एग्री नहीं होंगे, एंड दैट्स ओके। आपका रिएक्टिव मोड ऑन नहीं होना चाहिए वहां पे, कि आप रिएक्ट कर रहे हो वहां पे। दूसरा, दूसरों के पॉइंट को सुनना और उनके ओपिनियन और पर्सपेक्टिव को सुनना, ये एक अपने आप में एक कला है, लिसनिंग। लोगों को लगता है सिर्फ GD स्पीकिंग का गेम है, नहीं, लिसनिंग का गेम भी है। और उनसे सीखो, मतलब आप इंटरेस्टेड लगने चाहिए उनके पॉइंट में। ऐसा नहीं कि तू बोल भाई मैं बताता हूँ तुझे, वो आपका मोड नहीं दिखना चाहिए। वो मोड होगा तो आप उनके बराबर जाके बैठ गए हो, तो वो रुइन कर रहे हैं डिस्कशन को, आपने भी रुइन कर दिया। तो ये तो दोनों के लिए गेम खराब कर दिया ना, आपने अपना गेम क्यों खराब कर रहे हो? उनको करने दो जो कर रहे हैं। मेक इट ईजी टू पार्टिसिपेट। कैसे ईजी बना सकते हो दोस्त आप GD में? आपके तो हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। आप ना एग्रेसिव क्रिटिसिज्म मत करो। देखिए, अग्रेसिव क्रिटिसिज्म में हो सकता है सामने वाला नहीं बोलेगा, आपने उसको दबा दिया, आप बोलते रहे, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन चली गई वहां से। अग्रेसिव क्रिटिसिज्म आपको नहीं करना, बहुत पोलाइटली आपको क्रिटिसाइज करना है। डूज और डोंट्स वाली वीडियो में डिटेल में बताया कि कैसे क्रिटिसाइज करना है, कैसे उसके पॉइंट को सपोर्ट करना है, कैसे नया पॉइंट एड ऑन करना है। और जितना हो सके ना, शॉर्ट रखो और टू द पॉइंट रखो। डोंट बीट अराउंड द बुश। उसी बात को घुमा घुमा के आप कह रहे हो, वो काम नहीं करना है। जितनी देर आप ज्यादा बोल रहे हो, उसका कोई रिलेशन नहीं है आपके मार्क्स के साथ।
आप मान लो 10 में से 8 मिनट आपने बोला, पॉइंट आपका सिर्फ वही दो तीन थे, मत करो ये, सबको मौका दो। ग्रुप डिस्कशन है, इंडिविजुअल डिस्कशन नहीं है ये, वो आपके पीआई में होगा, वहां कर लेना ये वाला काम। आप वहां पे अकेले ही होगे तो वहां पे ये तुरमखा वाले काम कर लेना। दूसरा, आपको ना वो क्वेश्चन पूछने हैं जो कि टॉपिक के साथ रेजोनेट करते हों। मान लो बात चल रही है डिजिटल करेंसी की, ठीक है, तो डिजिटल करेंसी को करेंसी से रिलेट करो, यहां तक तो ठीक है, बट आप वहां से हवाला पे चले गए, हुंडी सिस्टम पे चले गए, आप पूरा कोई पुराना एक्सचेंज ऑफ मोड जो हुआ करता था उस पे चले गए, क्या रेलेवेंस है दोस्त? कोई रेलेवेंस नहीं है। इस करेंसी से, डिजिटल करेंसी से फिजिकल को इन्वॉल्व कर लो ज्यादा से ज्यादा, उसके आगे वाला जो इन्वॉल्वमेंट है ना ये यूजलेस था, आपने यूजलेस पॉइंट उठाया, कोई अच्छा स्कोर नहीं मिलने वाला आपका। रेलेवेंस ज्यादा जरूरी है और क्वालिटी ज्यादा जरूरी है रादर देन की क्वांटिटी। आप 10 तरह के पॉइंट लेके आओ, ये कोई ज्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है कि इनमें से रेलेवेंट तो सिर्फ एक ही था, ज्यादा अच्छा है कि 10 की बजाय ना कोई 2 क्वालिटी पॉइंट ले आओ, दैट्स गुड। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। अब ये तो थे कि वो आपको ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है, उससे पहले जो है ना प्रैक्टिस, एक ही लास्ट पॉइंट भी है कि उसी के अकॉर्डिंग है, बी रिस्पेक्टफुल टू दी अदर कैंडिडेट्स और अदर पार्टिसिपेंट, बिहेव लाइक ऑफिसर्स ना यार। आपको ऑफिसर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, गली नुक्कड़ पे जो लोग बातें करते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं वही करना है, तो फिर ऑफिसर्स में और आप उनमें डिफरेंस क्या रहेगा? तो ये काम तो आपको नहीं करना है। और बेसिक एटिकेट्स आपको दिखाने हैं, और बेसिक एटिकेट दिखाने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता। यूं समझ लो कि आपकी लव मैरिज हो रही है और घर वाले खिलाफ हैं, लड़की के घर पे आप गए हो, या लड़की हो तो लड़के के घर पे आप गए हो, आपको अपनी बेस्ट पिक्चर प्रेजेंट करनी है, बहुत सेंसिबल हो आप, बहुत करियर ओरिएंटेड हो, बहुत समझदार हो, सारी चीजें बहुत बहुत दिखानी है आपको। तो उस तरह से बिहेव करोगे ना तो एटिकेट्स आपके वैसे ही अच्छे निकल के आएंगे, क्योंकि आपको पता है एटिकेट्स नहीं आए तो ये चला जाएगा आपके जीवन से। और आंसर्स जब भी आपको कंफ्यूज कर रहे हो, जब भी स्टांस आपको कंफ्यूज कर रहा हो, बुद्धा ने बहुत अच्छा मिडिल पाथ दिया था, बीच का रास्ता पकड़ लो। यहाँ खड़े हो, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, आप यहाँ खड़े हो, ये दोनों रास्ते हैं, बीच में से चल पड़ो, क्योंकि बीच में से चलोगे ना तो किसी भी पॉइंट पे इधर और इधर जाने के ऑप्शन होंगे, कोई एक एक्सट्रीम चुन लिया ना तो आपको इधर आने में बड़ी दिक्कत होगी, बीच का रास्ता लो हमेशा। ठीक है, अब ये पॉइंट है जो आपको जीडी से पहले की बात है, ये बाकी सारे पॉइंट तो देखे कि आपको जीडी में क्या करना है, उस मोमेंट पे आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस का गेम है। देखिए ये पुरानी कहावत है, मोर यू विल स्वेट इन द ग्राउंड, लेस यू विल ब्लीड इन द वॉर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने चांसेस वहां पे हिकअप्स होने के, यहाँ पे जो रायता फैलने के चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। कंडक्ट एज मैनी डिस्कशंस एज पॉसिबल बिफोर एक्चुअल जीडी, हकीकत में जो जीडी होगा उससे पहले मॉक भी तो देते हो ना यार, तो यहाँ का भी तो मॉक होना होना चाहिए ना। आप अपने दो तीन दोस्त जो ज्यादा थोड़े से ना बकेट टाइप है, जो ज्यादा बातें करते हैं, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करो। फिजिकली पॉसिबल नहीं है, फोन पे, कॉन्फ्रेंसिंग पे, गूगल चैट पे, व्हाट्सएप चैट पे, जैसे मर्जी पॉसिबल हो, तीन चार लोगों का जूम कॉल कर लो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा बढ़िया है। मान लो कि नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आपको खुद ही दो लोगों की तरह बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो ग्रुप डिस्कशन हो नहीं सकता। आप अपने पॉइंट रखो, दूसरी पोजीशन पे जाके उसके काउंटर पॉइंट दो, या उसको सपोर्ट करो, फिर आप अपनी पोजीशन पे आओ। जैसे वो कई मूवीज में दिखाया गया ना, वो चेस को घुमा घुमा के खेलते रहते हैं, आप एक बार उस प्लेयर की तरफ से खेला, एक इस प्लेयर की तरफ से, वही आपको करना पड़ेगा, खुद ही पॉइंट दो, खुद ही काउंटर पॉइंट दो। मगर उससे एक अच्छा तरीका बताता हूँ आपको, यूट्यूब पे ना बहुत सारे डेमो जीडी पड़े हैं, उनको देखो, उनको एनालाइज करो, वीडियो को पॉज करो, अपने पॉइंट नोट करो कि अगर मैं इस जीडी में होता तो मैं क्या बोलता, मैं इसके पॉइंट को कैसे सपोर्ट करता, मैं इसके पॉइंट को कैसे अपोज करता। ये तो हो गया सिर्फ सिर्फ देखने का गेम, बट एक काम और भी कर सकते हो आप, वर्चुअल पार्टिसिपेशन कर सकते हो। कैसे? मान लो कोई 30 मिनट की डिबेट है, जीडी है, उसको देखो और यूं समझ लो कि आप एक पार्टिसिपेंट हो, तो जैसे ही कोई एक बंदा अपने पॉइंट को खत्म करे, वीडियो को पॉज करो, आप अपने पॉइंट दो, आपने पॉइंट दे दिए, फिर उसको रिज्यूम कर दो, दो तीन बंदे जब बोल लें उसके बाद फिर से वीडियो को पॉज कर दो, अपने पॉइंट दो, उनके पॉइंट को सपोर्ट क्रिटिसाइज जो भी करना है वो करो। तो इस तरह से क्या होगा कि एक फील क्रिएट हो जाएगी आपके दिमाग में कि आपने एक अच्छा जीडी में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो ये आपका एक सोल्यूशन हो सकता है। और बेस्ट जीडी का एक ही तरीका है कि इन टॉपिक्स के ऊपर, एक और वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी, रिजिड स्टैंस, एक्सट्रीम पॉइंट्स और फैनेटिक व्यूज, इन चार पांच टॉपिक से बचना, इनके ऊपर कोई एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन अपने मत दे देना, वो थोड़े नेगेटिव चले जाएंगे।
इस वीडियो का जो है पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जीडी के टॉपिक्स आपको काफ़ी हद तक जो बैंकिंग और इकोनॉमी के हैं वो इनमें से आपको मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम में जब तक आपकी जीडी की डेट आएंगी तब तक 8-10 वीडियोस मेरा और टारगेट है वो बनाने का, उसके बाद अपन कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक है, तो गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।